आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्यूल का ये दोनों ब्रिज, ये पुराना ब्रिज है और ये वाला न्यू ब्रिज है। इस पर आप देख पा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर का कॉशन है। यहाँ पे कॉशन है क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रिज था। आप देख पा रहे हैं इसका कैसा रंग हो चुका है, काफ़ी 150 साल पुराना ये ब्रिज। और दूसरा ब्रिज बिल्कुल नया जहाँ पे सारे ट्रैक डाइवर्ट होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 के साइड जो ट्रैक डाइवर्ट होंगे वो सीधा ब्रिज नंबर 1 से क्रॉस होंगे। और दूसरा जो ये ब्रिज है न्यू ब्रिज, उससे पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे ट्रैक्स तो डाइवर्जन आपके इस प्रकार होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से सारे कट्स। और ये जो आपको केबिन दिख पा रहा है क्यूल का इस साइड का केबिन, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसके बाद ट्रैक्स को इसी के थ्रू पास कराया जाएगा। तो अब नए ब्रिज पे हम चल के चलने वाले हैं। यहाँ से क्यूल का नया ब्रिज स्टार्ट होता हुआ आप बगल में देख पा रहे हैं क्यूल का पुराना ब्रिज, चूँकि वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका था और वहाँ से ट्रेन काफ़ी कम गति से पास होती थी, इसलिए नए ब्रिज का निर्माण काफ़ी साल पहले ही स्टार्ट कराया गया था, जिसे 2018 में पूरा हो जाना था, पर बजट की कमी होने के कारण ये काम पूरा नहीं हो पाया समय रहते हुए। और फाइनली इसे 31 मार्च 2020 को ख़त्म होने की डेडलाइन थी, पर लॉकडाउन के कारण ये काम रुक गया है और अब लॉकडाउन के बाद पुनः इस काम को कराया जाएगा। क्यूल में बना ये डबल लाइन ब्रिज एक ओपन वेब गार्डर ब्रिज है, जिसके सारे गार्डर्स स्टील के बने हुए हैं। क्यूल नदी पे बना ये रेलवे ब्रिज अपने में काफ़ी खास है इंडियन रेलवेज में, क्योंकि दोस्तों इस ब्रिज के दोनों साइड पे दो रेलवे स्टेशन हैं। इस साइड पे क्यूल रेलवे स्टेशन है और वेस्ट साइड पे लखीसराय रेलवे स्टेशन है। दोस्तों आरआरआई इंटरलॉकिंग के बाद जो सेंट्रल पैनल बनेगा वो दोनों स्टेशन लखीसराय और क्यूल में ट्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। दोस्तों इसके ईस्ट साइड से भागलपुर और हावड़ा से गाड़ी आती हैं और ब्रिज को क्रॉस करके गाड़ियां बरौनी, पटना और गया की ओर चली जाती हैं। आप देख पा रहे हैं पुराने वाले ब्रिज से सूरत एक्सप्रेस क्रॉस करती हुई, ये ट्रेन सूरत से आती है और भागलपुर को जाती है और सप्ते में 2 दिन चलती है। ये पुराना ब्रिज दोस्तों बहुत पुराना हो चुका था, 100 साल से भी पुराना ये ब्रिज था और इस पे गाड़ियों को 30 किलोमीटर पर आवर की कौशन से चलाया जाता था। और ये नए ब्रिज बन जाने के बाद ट्रेन अब काफ़ी तेज़ गति से क्रॉस हो पाएंगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।